आजकल जो एक टॉपिक है, एक चीज़ है, वो पेशेंट के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार होता है। मैं अपने क्लिनिक में देख रही होती हूँ कि हर तीसरा मरीज मेरे पास आके कहता है कि डॉक्टर साहिबा, जब हम मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो मियाँ का जितना मादा है वो सारा बाहर निकल जाता है, तो मुझे लगता है मेरे जो है अंदर हमल नहीं हो पा रहा। जो दो कपल हैं वो आपस में रिलेशनशिप करते हैं, तो उसमें होता ये है कि जब सीमन वजाइना के अंदर डिपॉजिट होता है तो उसके बाद, उसके कुछ देर के बाद वो कोएगुलेट होना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला ने स्पर्म्स के अंदर ये खासियत रखी है कि इनकी मूवमेंट फॉरवर्ड होती है, प्रोग्रेसिव होती है, यानी कि ये बैक की तरफ नहीं मूव करते, ये फॉरवर्ड की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वक्तन फवक्तन किसी न किसी टॉपिक पे हम मिलके बात कर लेते हैं ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो इसके बारे में दूर हो जाए। अब आजकल जो एक टॉपिक है, एक चीज़ है, वो पेशेंट के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार होता है। मैं अपने क्लिनिक में देख रही होती हूँ कि हर तीसरा मरीज़ मेरे पास आके कहता है कि डॉक्टर साहिबा, जब हम मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो मियाँ का जितना मादा है वो सारा बाहर निकल जाता है, तो मुझे लगता है मेरे जो है अंदर हमल नहीं हो पा रहा। इस पे मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि जब भी पेशेंट आपस में, इनफर्टाइल पेशेंट या वैसे भी जो दो कपल हैं वो आपस में रिलेशनशिप करते हैं, तो उसमें होता ये है कि जब सीमन वजाइना के अंदर डिपॉजिट होता है तो उसके बाद, उसके कुछ देर के बाद वो कोएगुलेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो पहले जमता है और उसके बाद फिर वो डिजोल्यूट होता है, यानी उसके अंदर वो पोर्स बनते हैं और उसमें से जो स्पर्म हैं, जो आपके जरासीम हैं, वो निकल के फॉरवर्ड प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने स्पर्म्स के अंदर ये खासियत रखी है कि इनकी मूवमेंट फॉरवर्ड होती है, प्रोग्रेसिव होती है, यानी कि ये बैक की तरफ नहीं मूव करते, ये फॉरवर्ड की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। अब ये स्पर्म्स जो हैं ये वजाइना से स्विम करते हुए सर्विक्स में और सर्विक्स से यूट्रस से लेकर ट्यूबों में पहुंच जाते हैं। जब ये ट्यूब्स के या सर्विक्स को क्रॉस कर लेते हैं तो ट्यूब्स के और यूट्रस के अंदर इनका सर्वाइवल बहुत बेहतर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो फेलोपियन सेक्रीशंस हैं उनके अंदर जो स्पर्म्स होता है उसकी तकरीबन इस तरह की कंपोजिशन होती है कि 5 से 7 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं वहाँ पे। जबकि वजाइना के अंदर जो है अगर स्पर्म होंगे और सर्विक्स में आगे नहीं प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो वो तकरीबन 3 to 4 आवर्स दे केप्ट ऑन डाइंग। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने इनकी अंदर ये सलाहियत रखी है कि ये फॉरवर्ड प्रोग्रेस कर जाते हैं, ऊपर की तरफ प्रोग्रेस कर जाते हैं, अंडों के पास पहुंच जाते हैं। अब जो मादा होता है सीमन, पेशेंट की ये होती है कि शायद वो जो सारे का सारा मादा है वो स्पर्म है, ऐसा नहीं होता। उसकी कंपोजिशन के अंदर सेमिनल फ्लूइड होता है जो वक्ती तौर पर घंटा एक पेशेंट के अंदर 2 घंटा सिर्फ उनको सपोर्ट करता है कि वो अपनी जो प्रोग्रेशन के दौरान अपनी एनर्जी लेके ऊपर को निकल जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि वो जो मादा बाहर आ रहा होता है, अगर हम उसको चेक करें, एक फ्रेश सीमन लें और एक वजाइना से निकलने वाली जो सेक्रीशन है उसको चेक करें, तो उसके अंदर स्पर्म्स तकरीबन वही होते हैं जो डेड होते हैं और जो इमोटाइल होते हैं, उनके अंदर एक्टिव स्पर्म नहीं मिलते। बल्कि एक हमने पेशेंट की हमने स्टडी की लैप्रोस्कोपिकली, जिसमें हमने पेशेंट की जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उनका स्वैब लिया लैप्रोस्कोपी के दौरान, वजाइना में स्पर्म डालने के, हमने सीमन जब डाला वजाइना के अंदर, तो ठीक 1.5 घंटे के बाद जो हमने सेमिनल फ्लूइड ओवरी के अंदर से स्वैब्स लिए, कल्चर्स लिए, उनके अंदर स्पर्म मौजूद थे। यानी स्पर्म इतनी स्पीड के साथ प्रोग्रेस करते हैं कि वो विद इन 1/2 to 1 hour के अंदर अंदर जो है वो ट्यूब्स के अंदर पहुँच जाते हैं। तो लिहाजा हम आपको ये कहते हैं कि जब आप मियाँ बीवी आपस में रिलेशनशिप करें तो फ़ौरन ना उठें,
आधा घंटा से लेकर तकरीबन एक घंटा तक आप उस पोजीशन में रहें। इवन अगर आप फौरन भी उठ जाते हैं ये चाहते हुए कि प्रेगनेंसी ना हो, फौरन उठ के वॉश करें, तो इसके बावजूद भी ऐसा मुमकिन है कि कुछ ना कुछ सीमन अंदर रह जाए, क्योंकि सीमन कोगुलेट हो गया है। अब उसमें से स्पर्म निकल के फॉरवर्ड प्रोग्रेस ही करेंगे, तो लिहाजा देयर आर चांसेस कि प्रेगनेंसी हो जाए। और जो लोग जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती वो आ जाके इसी फैक्टर को दोषी ठहराते हैं कि जी हमारे अंदर पता नहीं शायद बच्चेदानी का मुंह बंद है, या हमारे अंदर पता नहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से या सीमन बहुत पतला है तो शायद ये जो है वो निकल आता है। तो सीमन जब प्रोड्यूस होता है तो उसकी खास विस्कोसिटी होती है, वो फौरन जमता है, और जमने के बाद वो कुदरती तौर पर डेजोल्यूट होता है ताकि उसमें से स्पर्म्स निकलें और आगे को चले जाएँ। तो लिहाजा अगर आपके जेहन में भी ये कन्फ्यूजन है कि जो सारा मादा बाहर की तरफ निकल आता है, तो आप एक दफ़ा अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं ताकि वो सर्वाइकल स्टिनोसिस या कोई सर्विकल पॉलिप को रूल आउट कर ले, या कोई विजाइनल सेप्टम को रूल आउट कर ले। अगर वो ठीक है तो इसके बाद अपनी किसी किस्म की कन्फ्यूजन को अपने जेहन में ना रखें। इसका मतलब ये है कि वजह कोई और है जो कि बायस बन रही है आगे जो है वो इनफर्टिलिटी के। इस बात का जेहन से वहम निकाल दें कि सिर्फ ये वजह है। ऐसे पेशेंट अगर ये इस वहम का शिकार है और अपनी असल वजह को नहीं पकड़ते और IUI करा लेते हैं, यानी अपना स्पर्म सीमन जो है वो प्रिपेयर करा के उसमें से एक्टिव स्पर्म्स निकाल के सारे हम जाके ट्यूब्स के मुँह के आगे छोड़ आते हैं ऑस्टिया के पास, तो भी वो प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वजह नहीं पता कि वजह क्या है जो वो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो उम्मीद है इस वीडियो के अंदर इस कॉमन से सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। ये बहुत सारे लोगों के जेहन में एक कन्फ्यूजन है। इस वीडियो को आपने मैक्सिमम मैरिड कपल तक शेयर करना है और उन तक ताकि ये मिसकन्फ्यूजन क्लियर हो। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब नई वीडियो आए तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन इजीली आ जाए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं अपनी ये एफर्ट्स जो हैं वो जारी रखूँ। उम्मीद है कि आपको इजीली ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये समझ आ गई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।